तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग, आपका स्वागत है प्रजापति गेमिंग चैनल पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो काफी कमाल का होने वाला है। अगर आप अपने किसी फ्रेंड से यूसी गिफ्ट लेना चाहते हैं या तो आप अपने किसी फ्रेंड को यूसी गिफ्ट करना चाहते हैं तो यह वीडियो देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले आपको मेरी तरफ से और मेरे पूरे फैमिली की तरफ से, मेरे यूट्यूब के एक एक सब्सक्राइबर की तरफ से आप सभी लोगों की होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली थोड़ा कम मनाइए, जैसा कि आपको पता है, मैं आपसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, होली थोड़ा कम मनाइए क्योंकि कोरोना की वजह से थोड़ा लफड़ा उफड़ा चल रहा है, ठीक है? तो थोड़ा मोड़ा कम मना लेना यार, एक साल आप होली नहीं मनाओगे तब भी मतलब कुछ हो नहीं जाएगा, तो थोड़ा सा कलर विलर लगा लेना। मैं भी अभी देखो नहाया नहीं हूँ, ठीक है, नहाया नहीं हूँ, बस यह वीडियो शूट कर रहा हूँ। शूट करने के बाद में जाके थोड़ा सा दोस्तों से मिलूंगा, कलर वलर लगाऊंगा, उसके बाद में चलाऊंगा, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ की। तो आज का टॉपिक हमारा है, अगर आप किसी को यूसी गिफ्ट करना चाहते हैं या तो आप किसी से यूसी लेना चाहते हैं तो आप कैसे लेंगे। दोस्तों, होता क्या है, मान लीजिए अगर आपने 600 यूसी वाला रॉयल पास लेके रखा है और आप सोच रहे हैं कि नहीं, मैं सीजन 11 में 600 यूसी वाला रॉयल पास लिया था और वह मुझे 600 यूसी रिफंड हो जाएगा, मैं सीजन 12 में यूज कर लूंगा, फिर उस 12 को मैं सीजन 13 में यूज करूंगा। तो कभी कभी क्या होता है कि गलती से हमसे कोई स्पिन हो जाता है, ठीक है, 10 यूसी का स्पिन हो जाता है, या तो क्लासिक या तो प्रीमियम का हम क्रेट ओपनिंग कर देते हैं गलती से, 120 यूसी हमारा चला जाता है। मतलब अगर आप 150 200 यूसी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप कैसे लेंगे, आज मैं आपको दो माध्यम से बताऊंगा, गूगल पे और पेटीएम की मदद से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि यह सारा प्रोसेस कैसे करेंगे। बहुत ही आसान है यार, बहुत ही सिंपल है, ठीक है? लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी इस वीडियो के लिए प्लीज एक लाइक कर देना, आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और आप इस वीडियो को शेयर भी कर देना और आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना। तो चलिए बढ़ते आगे वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले जाना आपको अपने गूगल क्रोम में, ठीक है, आपको जाना है अपने गूगल क्रोम में और आपको सर्च करना है MIDASKBUY मेडास्क बाई, ठीक है, आपको यही सर्च करना है। जैसे आप लिख के सर्च करेंगे आपको कुछ इस तरह से बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी, तो आपको पहले वेबसाइट पर टच करना है। जैसे आप टच करेंगे जो इसका पेज है कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट नहीं रहता है तो आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। और दोस्तों, आपको एक चीज कमाल की बता दूं, इस वेबसाइट में अगर आपको प्ले स्टोर में 10 रुपए में 8 यूसी मिलता है तो आपको यहाँ पे 10 रुपए में 10 यूसी मिलेगा, यानी ज्यादा ही यूसी मिलेगा, ठीक है। तो अब अगर आप यूसी लेना चाहते हैं, 10, 20, 50 यूसी लेना चाहते हैं तो आप यहां से ले सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट रॉयल पास लेना चाहते हैं तो आप यहां से ले सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमको 100-200 यूसी हम ऐड करेंगे, तो आपको यहां पे टच करना है। जैसे आप टच करेंगे आप देख सकते हैं कि एक नया पेज आ चुका है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पे अपना प्लेयर आईडी डालना है, ठीक है। प्लेयर आईडी जो नंबर का होता है आपको यहां पे डालना है। उसके बाद में आपको ओके करना है। जैसे आप ओके करेंगे आप देख सकते हैं कि यहां पर मेरा नाम आ चुका है। तो सबसे पहले आप श्योर कर लीजिए कि आपकी आईडी है या किसी और की आईडी है, ठीक है। अब आपको यहां पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, कोड पेटीएम, अगर आपके पास कोड पेटीएम है तो आप कोड पेटीएम से बाय कर सकते हैं, अगर आपके पास गूगल पे है तो आप गूगल पे से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, रेजर गोल्ड, रेजर पिन, पेटीएम। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पेटीएम। अब दोस्तों, आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है आपको कितना यूसी चाहिए, ठीक है। अगर आप 40 रुपए में लेंगे तो आपको 35 यूसी मिलेगा, यानी 5 यूसी एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आप यही चीज प्ले स्टोर में लेंगे तो आपको 30 मिलेगा। अगर आप 79 में लेंगे तो आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा 60 यूसी और आपको यहाँ पे मिल रहा है 15 यूसी एक्स्ट्रा, ठीक है। तो जो भी यूसी एक्स्ट्रा रहेगा आपको बगल में शो कर देगा, तो आप देख सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे 30 यूसी चाहिए, 30 या 35 यूसी चाहिए, तो आपको इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको पेन आउट टच करना है, ठीक है। जैसे आप टच करेंगे आप देख सकते हैं कि यहां पर मेरे पेटीएम में अभी कितना बैलेंस है, 35 रुपए, ठीक है। तो मैं यहां से नहीं कर सकता, तो मुझे पेटीएम में और ऐड करना पड़ेगा। लेकिन मैं बैक करके देख लेता हूं 10 यूसी वाला है क्या। ओके, तो हमने ये वाला पेटीएम सेलेक्ट किया, इसको छोड़ दिया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर हमको 10 रुपए में 8 यूसी मिल रहा है। तो चलिए मैं आपको पे करके दिखा देता हूं, आपको पेन आउट पे टच करना है। जैसे आप टच करेंगे आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब आपको यहां पे कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे आप देख सकते हैं, अब आपको यहां पे ओके करना है। जैसे मैं ओके करूंगा आप देख सकते हैं मेरा यूसी परचेज हो चुका है, ठीक है। 10 रुपए में 8 यूसी वहां पे पहुंच चुका है। अब मैं कंटिन्यू इसको कर देता हूं, ओके। तो हमारा आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुल हो चुका है। तो मैं बैक आ जाता हूं।
अब दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आपको पेटीएम से कैसे लेना है। अब मैं आपको दिखा देता हूं, अगर आप गूगल पे से लेना चाहते हैं तो आप कैसे लेंगे। तो सबसे पहले मैं आईडी डाल देता हूं। अब यहां से मैं सेलेक्ट कर लेता हूं गूगल पे। अब यहां से मैं कर लेता हूं 10 UC, ठीक है। अब यहां से पे नाउ पे टच करता हूं। जैसे आप टच करेंगे, ठीक है, जैसे आप टच करेंगे आप देख सकते हैं कि यहां पर कंटिन्यू करने के लिए बोल रहा है, तो आपको कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे आप देख सकते हैं कि यहां पर यूपीआई आईडी मांग रहा है, ठीक है। यूपीआई आईडी तो आपको अपने गूगल पे का यूपीआई आईडी देना है, तो मैं आपको बता देता हूं यूपीआई आईडी कहां पे होती है। आपको यहां पे जाना है, उसके बाद में जाना है आपको सेटिंग में। जैसे आप सेटिंग में जाएंगे आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारा यूपीआई आईडी है, तो सिंपली आपको इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी का ऑप्शन बगल में है, तो आपको सिंपली कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में आपको बैक आना है, ठीक है। बैक आने के बाद में आपको वहीं पे जाना है और आपको यहां पे आपका यूपीआई आईडी पेस्ट कर देना है। जब आप पेस्ट करके पे करेंगे ना, अभी आप देखना, आप देख सकते हैं कि यहां पे बता रहा है कि आपके गूगल पे पर एक रिक्वेस्ट भेज दिया गया। आप देख सकते हैं हमारे गूगल पे पे एक रिक्वेस्ट आ चुका है, अब आपको जाके वहां से पे कर देना है, ठीक है। तो हम यहां पे चलते हैं और यहां पे आप देख सकते हैं एक रिक्वेस्ट आया हुआ है। आप देख सकते हैं कि 10 रुपए का रिक्वेस्ट आया हुआ है। अगर आप इसको डिक्लेन करना चाहते हैं तो आप डिक्लेन कर सकते हैं। अब आपको प्रोसेस पेपर टच करना है, उसके बाद में आपको अपना पासवर्ड डालना है। जैसे आप पासवर्ड डालेंगे आपका जो यह 10 रुपए का है वहां पे 8 UC सेंड हो जाएगा, ठीक है। यानी आप 10 रुपए में 8 UC परचेज कर पाएंगे। तो दोस्तों यही कमाल का तरीका है। अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप उसका पबजी आईडी जो नंबर था वो नंबर ले लीजिए, उसके बाद में आप यहाँ पे डाल के उसको 100 UC, 200 UC, 500 UC कितना चाहिए आपको वहां पे डाल के सेंड कर देना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। तो इस तरह से आप किसी को भी 10, 20, 50 UC गिफ्ट कर सकते हैं। और एक चीज दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पबजी में 800 UC है, उसमें से 200 UC किसी को गिफ्ट कर दो, तो भाई आप पबजी में से किसी को गिफ्ट नहीं कर सकते। अभी वहां पे गिफ्टिंग का ऑप्शन नहीं है, तो आप यह मत सोचना कि आप पबजी में से गिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपको गिफ्ट करना है तो आप यहां से कर सकते हैं, या तो आप प्ले स्टोर का रिडीम कोड बना के उसको दे सकती हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना और आप इस वीडियो को शेयर भी कर देना, ताकि वो लोग भी इसके बारे में जान पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं यार जो इस टॉपिक को सर्च कर रहे थे। मैं खुद ही सर्च कर रहा था आज से कुछ दिन पहले, तो मैं सोचा क्यों ना यार इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दी जाए। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, यह टॉपिक कैसा लगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।